हमें महिलाओं ने भेजा है। एक मिनट देखिए, खुद से बना करके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब हरकतें कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। मैम आपने पैसे देने के भी आरोप लगाए, इसका हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा, ऐसा सुनने में आया है कि पैसे के साथ महिलाएं बता रही हैं। ऑन रिकॉर्ड महिलाएं जब आएंगी, वो भी आपके संग दो दिन बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उस वीडियो के साथ किया जाएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं ने कहा है कि वो खुद आएंगी और हमारे साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे। हम है प्रीति उपाध्याय, नेशनल ऑब्जर्वर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से और डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। हमारे साथ यहाँ पर हैं ललिता जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं महिला कांग्रेस, अंजू देवी जी हैं जो स्टेट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, और हमारे साथ सरोज सिंह जी हैं जो एनसी, हमारा गठबंधन है कांग्रेस और एनसी का, तो इसके वेमेन विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सरोज सिंह जी। आज हम लोग आपको बुलाए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाए और आप लोग आए, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुलाने का कारण ऐसा है कि आपको बिल्कुल अर्जेंट में बुलाना, क्योंकि हम हिंदू महिलाओं का, खास करके जिस तरह से हमारी आस्था पर प्रहार किया गया है, आज हमारा जो विश्वास है, देखिए हमारी सुहाग की निशानी होती है, हम भी बिंदी लगाए, हमारे साथ एक पत्रकार महिला है, वो भी साथी महिला, वो दिख रही है, बहन हमारी बिंदी लगाई है, हम ये हमारे सुहाग की निशानी होती है, ये हमारे सुहाग की निशानी हमें ये हमारे पति देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव का समय है, देयर इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच इज एप्लीकेबल, एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वेस्ट, डोडा वेस्ट से, उन्होंने कल हमें बकायदा शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन से कि चुनाव के समय वो जो वोटर को लुभाने के लिए स्ट्रिक्टली हमारे लोकतंत्र में कहा गया है कि आप कुछ भी दे नहीं सकते, इस तरह वो बांट रहे हैं बिंदी, सुहाग की निशानी बिंदी, अपना फोटो लगा के, नॉट ओनली हिज ओन फोटो, इसमें फोटो है साथ में आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आर होम मिनिस्टर अमित शाह जी, बीजेपी के स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर जेपी नड्डा, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा, एंड किसी और का भी फोटो था, एक किसका मिसिंग है, समबडी एल्स, डॉक्टर जितेंद्र कैबिनेट मिनिस्टर, ये भारतीय जनता पार्टी। और देखिए ऐसा सुनने में आया है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये इसके साथ पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे के साथ ये दिया जा रहा है हमारी महिलाओं को लुभाने के लिए, हिंदू महिलाओं को लुभाने के लिए हमारे ही आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। सो दिस इज द कॉपी ऑफ कंप्लेंट जो हमने कल इलेक्शन कमीशन से भी क्या सबमिट किया है, और ऑफ कोर्स हमने बोला है इस पर FIR लॉज होनी चाहिए और बकायदा नोटिस इशू हो भी गया। हम आप लोग के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहते हैं, आप लोग के कैमरे में अच्छी तरह दिखे इसलिए ये पकड़िए, बड़े 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 आपको लीजिए, ये पकड़िए, ये कलर प्रिंट है इसी का, और ये इमेजेस जो है ये हमें हमारी बहनों ने भेजा है, जिनको ये बांट रहे हैं उन्हीं बहनों ने भेजा है, क्योंकि उनके आस्था पे जो प्रहार हुआ है इससे वो दुखी हैं, और इस वजह से ये उन्होंने खुद हमें इन्फॉर्म किया, हमारी बहनों ने, कि इस तरह से शक्ति परिहार बांट रहे हैं फ्रीबीज। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करती हूँ, गुड मॉर्निंग आप सबको, आपके थ्रू हम एक मैसेज अपनी जनता तक देना चाहते हैं। आपने बेखूबी हमारी जो ऑब्जर्वर मैम आई हैं इनसे डिटेल में सुना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो शक्तिराज परियार जी हों या कोई भी कैंडिडेट हों जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसको अपने डेवलपमेंट के आधार पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि इस तरह से, आप देखो ना इस तरह से, ये जो बिंदी आप देख रहे हैं और ये इनका फोटो, ये बिंदी, और हमारे में जो हमारा सनातन धर्म है, जब हमारी शादी होती है शादी के बाद हम बिंदी लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंवारियाँ लड़कियाँ बिंदी नहीं लगाती हैं हिंदू में, और इनको किसने हक दिया है कि वो घर घर जाके महिलाओं को ये बिंदी पहुंचा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे हस्बैंड या हर महिला का हस्बैंड इतना सक्षम है कि वो अपनी वाइफ को सुहाग की निशानी प्रोवाइड कर सकता है, इनको किसी ने हक नहीं दिया कि ये इस तरह से महिलाओं को बरगलाएं, और इसके साथ में वो पैसे भी दे रहे हैं। अगर इन्होंने वाकया डिस्ट्रिक्ट डोडा में, हाँ अगर हाँ सुनने में आ रहा है, और महिलाएं कुछ समय बाद, एक दो दिन बाद वो भी सामने आएंगी,
और ये भी है साथ में मैं बताना चाहूंगी कि अगर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा में डेवलपमेंट करी है तो इतनी छिछोरी हरकत क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? किसी मर्द को हक नहीं दिया है कि वो किसी की वाइफ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को या बिंदी प्रोवाइड करें। यहां तक ये गिरेंगे हमने सोचा नहीं था। अगर इन्होंने डेवलपमेंट किया है तो ये क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल अंजू जी। मैं अंजू जुराल, स्टेट सेक्रेटरी जम्मू जम्मू कश्मीर। जैसे कि हमारी ऑब्जर्वर मैम ने आपको बता दिया कि डोडा वेस्ट 53 कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम शक्ति राज परिहार जी हैं, उनकी तरफ से ये जो बिंदी है, ये उनकी तरफ से बिंदी जो है हमारी महिलाओं को बांटी जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी महिलाओं को अगर बिंदी पहनने का हक जो है उनके पति देते हैं, हमारी हिंदू समाज की एक रीति है कि वो ही अपने पति की तरफ से दी हुई जो एक सुहाग की निशानी है वो पहनती हैं, इनको भाजपाइयों को किसने ये हक दिया है कि हमारी महिलाओं का ये घिनौना जो हरकत है, घिनौना हरकत कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं मेरी माताओं का और मेरी बहनों का, जो अपमान कर रहे हैं। तो आप जानते हैं पिछली हिस्ट्री भी देखी है कि पिछली हिस्ट्री में अगर हमारी महिलाओं के लिए कोई देखता था तो हमारी महिलाएं जो है वो जौहर करना जानती थी और वक्त आने पे तलवार चलाना भी जानती थी, लेकिन आज की डेट में भाजपाइयों ने हमारी जो महिलाओं का है बहुत अपमान किया है। और इसके ये देखो शक्ति राज परिहार की इतनी हिम्मत है कि हमारी महिलाओं को वो बिंदी पहुंचा सके, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, अगर आप डेवलपमेंट करते तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है, हमारे बुलाने से आप लोग आए, आप सबका हार्दिक अभिवादन है। ये जो बातें अभी इस वक्त आप लोगों ने सुनी है सारी, ये चीज़ जो है इस इलेक्शन के टाइम पर ये पैसे बांटना या कोई भी चीज़ किसी को देना, ये कानून के खिलाफ है, ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अगर आपने काम किया है, रहे हैं पहले वो, तो अगर काम किया है तो उनको ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। बेइज्जती की बात है, एक मतलब कि एक बिंदी पे आए, आज तक आपने सुना किसी ने बिंदी दी है, बांटी है कोई? अगर तुम किसी के लिए कर रहे हो, कोई भूखा है उसके को राशन नहीं पहुँचाएंगे, कुछ और ज़रूरत है वो नहीं करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल्स की हालत देखती हूँ मैं, इतनी बुरी हालत है, इससे पहले हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की भी हालत अच्छी थी। अब ये इस हालत में आ गए हैं कि ये बिंदियाँ बांटकर क्या हमारी बहनों को इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है कि बिंदी क्या होती है? और कोई दूसरा उसको दे रहा है बिंदी तो क्यों दे रहा है? ये तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है ना ये चीज़ें। इस वजह से जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। इलेक्शन में जितना सफाई से आप काम करेंगे वो अच्छा है। उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप काम कर रहे हो, अपने हक के लिए लड़ना सबको हक है, ठीक है, लेकिन अपना काम जो कर रहे हो ईमानदारी के साथ करो और इस तरीके की हरकतें नहीं। बहुत ही सरप्राइजिंग, आपका तो सवाल ही ऐसा हास्यास्पद है। कांग्रेस तो डरने वालों में से है ही नहीं, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को डरो मत, राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरना है ना डराना है, तो डरने वाली महिलाएं यहाँ पर नहीं बैठी हैं। ये लोकतंत्र पर प्रहार है, ये हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं जो हिंदू धर्म की मान्यता जिस जो मानती हैं उनका उनके आस्था पर प्रहार है ये। और भारतीय जनता पार्टी इतनी ओछी हरकत इसलिए कर रही है क्योंकि वो डरी हुई है। उन्हें पता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी वो है एक पढ़े लिखे प्रोफेसर, और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ नेता हैं उन्हें डर है हमारे कैंडिडेट से, इसलिए वो ऐसी ओछी हरकतें कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये स्वघोषित ठेकेदार हैं कि हिंदू का हिंदू बचाते हैं, ये है इनका हिंदुत्व। इन्हें पता नहीं है, इसका प्रूफ है हमारे पास, महिलाएं हैं, ये हमें फोटो हम जो आपको दिखा रहे हैं ये हमें महिलाओं ने भेजा, हमें तभी वो ये प्रूफ है अपने आप में, ये महिलाओं ने भेजा है हमें, ये हमें महिलाओं ने भेजा है। एक मिनट, देखिए खुद से बना करके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब हरकतें कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। मैम आपने पैसे देने के भी आरोप लगाए, इसका हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा, ऐसा सुनने में आया है कि पैसे के साथ महिलाएं बता रही हैं
ऑन रिकॉर्ड महिलाएं जब आएंगी वो भी आपके संग, दो दिन बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उस वीडियो के साथ किया जाएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं ने कहा है कि वो खुद आएंगी और हमारे साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगी। मैम, आपने कहा कि सनातन में एक खास मान्यता रखी जाती है, सिर्फ हस्बैंड इसको बना सकते हैं जी। जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, आपने पैसे पर काफी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज की आप पुष्टि कर रहे हैं जी, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रही है? क्या कांग्रेस अपना पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करने के लिए सब तो नहीं कर रही? क्या आपको पता है कल भी कांग्रेस ने एक फेक वीडियो चलाया, किश्तवाड़ का वीडियो डोडा के नाम पर दिखाया गया। देखिए, फेक वीडियो जो है ना, फेक वीडियो चलाना, फर्जीपना करना, ये तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार है। इस पर फेक वीडियो बनाना, फर्जी बातें करना, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र नहीं है। ये सबूत है आपके सामने और पूरे दमखम के साथ हम यहाँ पे आपके सामने बैठ करके, हमने ईसी में कंप्लेन भी की है बाकायदा इसकी, और उन्हें नोटिस भी जारी हुआ है, आप उनसे भी बयान ले सकते हैं, उन्हें बाकायदा नोटिस जारी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस जारी किया है, जल्द FIR भी दर्ज होगा। तो आप लोग उनकी वकालत, देखिए आपसे निवेदन है, आप उनकी वकालत मत करिए, आप जनता की बात सुनिए, आप जनता की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन को अपना काम जी, इलेक्शन कमीशन का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, हमने शिकायत की है, नोटिस इशू हुआ है, इलेक्शन कमीशन इसकी पुष्टि आपको कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आस्था की आपने बात की, तो एनसी के मैनिफेस्टो में हरि पर्वत और शंकराचार्य हिल को अलग नाम से संबोधित किया गया है। अभी ये मुद्दा आज के मुद्दे पे हम केंद्रित करेंगे, आज के मुद्दे पे केंद्रित करेंगे। ये डोडा वेस्ट में बांटा जा रहा है, जो खिलाफ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, आज इसकी बात करेंगे हम। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? जी, इससे रिलेटेड की बात की, आपने हिंदुत्व की बात की है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तो जिस तरह से पत्रकार ने सवाल किया कि हरि पर्वत और शंकराचार्य का नाम चेंज करें, हम आपसे निवेदन करेंगे, हम आज के मुद्दे पर, हम मैनिफेस्टो पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आज के मुद्दे पे केंद्रित, हमने आपको आपको दो दिन के अंदर, देखिए पहली बात तो ये ईसी का काम है, आपको पता होना चाहिए, नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करना हमारी पार्टी का काम नहीं है, हमने अपना काम किया है, हमें जो सबूत देने थे वो हमें इलेक्शन कमीशन को देना है, वो हमने दिया है। आ जाएंगी, जल्द आएंगी, तब फिर से आपको सूचित किया जाएगा और यहाँ निमंत्रण दिया जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन?